में जो जवान शहीद हुए उनके लिए स्मारक का आज उद्घाटन किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से उनकी शहादत को सलाम करते हुए पूरा देश जिसकी आंख आज नम है, सी मीडिया संवाददाता अमन चोपड़ा ने स्मारक का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं तस्वीर। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के भुजते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। देखिए आज का दिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, 14 फरवरी 2019, आज उसको एक साल पूरा हुआ। ये जो आप देख रहे हैं 40 जवानों के जो हैं वो नाम यहां पर अंकित किए गए हैं, एक एक करके अगर आप देखें, शहीद राठौड़, नितिन शिवाजी, शहीद अश्विनी कुमार, इसके अलावा शहीद भागीरथ सिंह, शहीद पीके साहू, शहीद तिलक राज, शहीद रोहिताश लांबा, शहीद मनिंदर सिंह, शहीद पंकज कुमार, शहीद बबलू संतरा, शहीद नारायण लाल गुर्जर, अवधेश कुमार, ये नाम बहुत ज़रूरी हैं लोगों को याद रखना। इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उन्हीं को याद करने का दिन, उन्हीं को नमन करने का दिन। ये वो सिर्फ 40 नाम नहीं हैं, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जो सबसे भयावह सबसे खौफनाक आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद आज 14 फरवरी 2020 एक साल बाद इस तरह से उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि देने की यहाँ पर कोशिश, ये स्मारक उनकी याद में, 40 जवानों की याद में ये स्मारक। और देखिए सबसे खास चीज़ जो आज जो जाननी ज़रूरी है, ये जो आप कलश रूपी ये जो आप देख रहे हैं, ये आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए, ये जो 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनके आंगन की मिट्टी है, ये उनके आंगन की मिट्टी है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले उमेश जाधव हैं, आपको बताना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले उमेश जाधव हैं, वो म्यूजिशियन हैं प्रोफेशन से, और वो 40 आंगन जो हैं शहीदों के वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करके लाए हैं। ये 40 जवानों जो शहीद हुए हैं उनके घर के आंगन की मिट्टी है। कलश को जुल्फिकार हसन जो कि स्पेशल डीजी हैं वो वहीं पर उसको स्थापित करेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं अमन चोपड़ा, 185 बटालियन, पुलवामा।